हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए फिर से एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन निकल रहा है वो होमगार्ड विभाग से मिल रहा है। होमगार्ड विभाग में होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यदि आप 8वीं पास हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि महिला होमगार्ड की वैकेंसी भी निकली है और इसके साथ साथ पुरुष होमगार्ड की वैकेंसी भी आपको मिल रही है, जिसमें आपकी हाइट जो बताई गई है वो 152 सेंटीमीटर बताई गई है। हाँ, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। ऑनलाइन इसका आपको जो फॉर्म है भरना है। इसके साथ इसमें 2000 से ज़्यादा पदों पे रिक्रूटमेंट जो है, पदों पे भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। अधिक जानकारी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिक जानकारी हिंदी में दिखा देते हैं और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन बात करेंगे। वैकेंसी आपको होमगार्ड विभाग से मिल रही है और पोस्ट आपको मिल रही है होमगार्ड की। ये वैकेंसीज गृह विभाग से आपको मिल रही है और होमगार्ड के पदों पे ये वैकेंसीज यहाँ जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें आपको फिर बताया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में महिला फोर्स, यानी कि महिला भी फॉर्म भर पाएगी और पुरुष भी फॉर्म भर पाएंगे। महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर पाएंगे। और टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज कितनी मिल रही है, 2500 पदों पर ये रिक्रूटमेंट लॉकडाउन से पहले निकली थी। अब लॉकडाउन के बाद, यानी कि लॉकडाउन के पांचवें चरण अनलॉक फर्स्ट में ये फॉर्म भरा जाएगा। 10 तारीख के बाद ये फॉर्म भरा जाएगा। कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको कैसे फॉर्म भरना है। इसमें सैलरी की बात करें तो 13,000 से लेकर 18,000 रुपये इसमें टेंटेटिव सैलरी आपको बताई गई है, क्योंकि इसमें सैलरी ड्यूटी जो जिस दिन आपकी ड्यूटी होती है उस दिन जो है 593 से लेके 694 रुपये आपको मिलता है। यानी कि इसमें कोई फिक्स पेमेंट आपको नहीं मिलता है, यानी कि जो कार्य दिवस है, वर्किंग डेज जो है, उस पर आपको 593 रुपये पर डे कार्य के मिलेंगे। और इसके साथ इसका ज़्यादा वेतन है वह है 694 रुपये, यानी कि टेंटेटिव इसमें आपको वेतन बताया जाए तो 13 से लेके 18,000 रुपये तक इसमें आपको वेतन मिल सकता है। यदि आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में हम आपको फॉर्म देंगे। इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं है। आपकी उम्र सीमा क्या है, 18 से लेके 35 वर्ष। और जो आरक्षित वर्ग हैं, जैसे कि SC ST OBC को यहाँ क्रम से छूट मिलेगी, वो भी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। इसके साथ बात करेंगे, ये जो है सामान्य या बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, यानी कि जो आरक्षित वर्ग है, इसमें 200 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा केवल सामान्य को। SC ST PWD को 175 रुपये आवेदन फीस इस भर्ती प्रक्रिया में देना पड़ेगा। तो ये तो होगी इसकी बेसिक जानकारी। अब हम आपको पहले जो कल की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान होमगार्ड की जो डिपार्टमेंटली ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको इस वेबसाइट का मिलेगा और इसमें आपको सर्वप्रथम ये बताया गया है, आपको यहाँ एक प्रेस नोट मिलेगी। प्रेस नोट में फॉर्म कब भरा जाएगा वो डिटेल्स आपको बताई है। गृह रक्षक एवं सेवकों के नामांकन हेतु जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, यानी कि किस जिले से कितनी पोस्ट मिल रही है, क्या गाँव जो विलेज में रहने वाले बच्चे हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे, वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी डिटेल्स। इसके साथ साथ किस जिले से कितनी वैकेंसी निकल रही है वो भी आपको कंप्लीट इस विज्ञप्ति में मिल जाएगी। लेकिन आज जो नई विज्ञप्ति जारी हुई है वो इस प्रेस नोट में बताई गई है, तो आपको ये प्रेस नोट डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रेस नोट डाउनलोड हो गया है और इस प्रेस नोट में आपको बताया गया है कि COVID-19 को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी, उसका फॉर्म दोबारा स्टार्ट हुआ है। और फॉर्म जो आपको मिलेगा वो 10 जून 2020 से मिलेगा, यानी कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा 10 जून से फॉर्म स्टार्ट होके 9/7/2020 यानी कि 9 जुलाई 2020 तक रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। और आपकी जो एज की गणना की जा रही है वो की जा रही है 1 अप्रैल 2020, यानी कि जो पहले एज की गणना की जा रही थी उसी से की जा रही है, 18 से लेकर 35 वर्ष। और इसके साथ SC ST OBC को यहाँ छूट मिलेगी। इसके साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और 10 जून से आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 2500 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकली है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना, 10 तारीख से ही आप इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रारंभिक आप ही इसकी शुरुआत करना फॉर्म भर के। तो कौन कौन स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भरना चाहते हैं वह हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको जो इस भर्ती प्रक्रिया की अन्य जानकारी भी दे सकें। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।